नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। हिटमैन रोहित शर्मा का जीतना बोलबाला T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में है, उतना टेस्ट क्रिकेट में नहीं था। लेकिन पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित ने टेस्ट में ओपनिंग की और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार 529 रन बनाए। रोहित ने बतौर टेस्ट ओपनर डेब्यू करते हुए 2 शतक भी जड़े और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने, जिसके बाद रोहित के लिए आलोचकों की राय बदल गई और उन्हें टेस्ट का भी बेहतरीन बल्लेबाज माना जाने लगा। ऐसे में इरफान पठान को यकीन है कि रोहित शर्मा में रनों की भूख है, जो उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी बढ़ने में मदद करेगी। इरफान पठान ने कहा, हमें टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा का दोहरा शतक देखने को मिला। वनडे क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज आने के बाद हम उनकी पारियां और दोहरे शतक देख ही चुके हैं। आने वाले वर्षों में वो जितने अधिक मैच खेलेंगे, वो वीरेंद्र सहवाग की तरह ही प्रभाव डाल सकते हैं। पिछले 2 सालों में हमने एक अलग तरह के रोहित शर्मा को देखा है, वो शख्स जो शतक के बाद शतक जड़ रहा है। वनडे की उनकी परफॉर्मेंस आने वाले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में उनकी मदद करेगी। हाल ही में जब हमने रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर खेलते हुए देखा है, ओपनिंग करते ही उनका पूरा टेस्ट करियर ही अलग नजर आने लगा। जब वो मध्य क्रम में खेलते थे, तब वो उस तरह से नहीं खेल पाते थे जैसी उनसे उम्मीद की जाती थी। इरफान ने आगे कहा, रोहित कब तक खेल पाते हैं ये सवाल रहेगा, क्योंकि सहवाग ने 100 टेस्ट मैच से ज्यादा खेले हैं। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में चैंपियन हैं, वो वनडे क्रिकेट के इतिहास में मेरे लिए 3 टॉप बल्लेबाजों में से एक हैं। लेकिन अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो वो थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि शायद वो ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 2013 में टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, लेकिन उस समय टेस्ट में उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर सका। यही वजह है कि रोहित शर्मा की टीम में जगह पक्की नहीं हो सकी। लेकिन अब इरफान पठान सहित कई खिलाड़ियों को लगता है कि रोहित सहवाग की जगह ले सकते हैं। लेकिन अब रोहित की उम्र 33 साल है, ऐसे में वो कब तक वीरेंद्र सहवाग वाली सफलता हासिल करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रोहित ने अब तक महज 32 टेस्ट खेले हैं, जबकि पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 104 टेस्ट खेले थे।